उत्तर भारत में चुनाव की हलचल शुरू, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड के लिए विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान। चुनाव आयोग ने कहा, आकाशवाणी के रंग भवन में दोपहर 2:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस। फरवरी के अंत तक पूरी होनी है चुनावी प्रक्रिया, मतदान को लेकर तैयारियां शुरू। निर्वाचन आयोग ने रविवार को ही पूरा किया इन 3 राज्यों का दौरा, 4 दिन तक सर्वेक्षण। इस साल 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा चुनाव कराने की संभावना प्रबल। एक दिन पहले बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक में पीएम मोदी ने भरी 2024 के लिए हुंकार, बोले 400 दिन बाकी, कर लो पूरी तैयारी। पीएम मोदी की बीजेपी नेताओं को नसीहत, गलत बयानबाजी ना करें। पीएम मोदी का बैठक में मंत्र, समाज के सभी पिछड़े वर्गों के पास जाए कार्यकर्ता। प्रधानमंत्री बोले, बीजेपी कार्यकर्ता मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे में भी जाएं, बॉर्डर के पास सुदूर इलाके में जाने का भी निर्देश। पीएम मोदी ने दिया जीत का मंत्र, बोले अमृतकाल को कर्तव्य काल में करना है तब्दील। आज राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का 124वां दिन, हिमाचल प्रदेश पहुंची यात्रा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू यात्रा में शामिल, 40 विधायक भी जुड़े। यात्रा के दौरान काठगढ़ मंदिर में रुके राहुल गांधी, पूजा पाठ के बाद बढ़े आगे। आज शाम कांगड़ा से होते हुए फिर पहुंचेंगे पंजाब की सीमा में पठानकोट में रात्रि विश्राम। कल जम्मू पहुंच जाएंगे राहुल, सुरक्षा के सख्त इंतजाम। आज सुबह से हावड़ा पहुंचे संघ प्रमुख मोहन भागवत, स्टेशन पर कड़ी सुरक्षा। हावड़ा से कोलकाता के लिए रवाना हुए संघ प्रमुख, यहां संगठन की बैठक में लेंगे हिस्सा। 23 जनवरी तक कोलकाता में रहेंगे मोहन भागवत, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती कार्यक्रम में होंगे शामिल। नीतीश कुमार पर टिप्पणी को लेकर आरजेडी ने सुधाकर सिंह को भेजा कारण बताओ नोटिस, 15 दिन में मांगा जवाब। सुधाकर सिंह ने दिया था बयान, बिहार में लूट का है मॉडल, जेडीयू का अभी तक बीजेपी से मोह भंग नहीं। तेलंगाना के एक इलाके में छात्र की पिटाई का वीडियो वायरल, बीजेपी प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष के बेटे पर आरोप। संस्थान की तरफ से दर्ज कराई गई शिकायत, पुलिस ने शुरू की जांच। विमान में बोर्डिंग के दौरान इमरजेंसी गेट खोलने की घटना को लेकर सुप्रिया श्रीनेत ने किया ट्वीट, लोगों को असुविधा और जोखिम में लाने वाले का नाम 1 महीने तक सामने नहीं आया। इंडिगो की तरफ से जारी किया गया बयान, एक यात्री से खुल गया था इमरजेंसी गेट, डीएम के प्रवक्ता ने भी की पुष्टि, तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष के साथ थे कर्नाटक के सांसद तेजस्वी सूर्या। ओवैसी का ट्वीट, आपका नाम संस्कारी है इसलिए ये गलती से हुआ, अगर ये अब्दुल होता तो। शीतलहर से कांप रहा है पूरा उत्तर भारत, पूरे इलाके में है जबरदस्त ठंड। दिल्ली के लिए 6 दिन का येलो अलर्ट जारी, सोमवार से बुधवार तक शीतलहर की चेतावनी। मौसम विभाग का अनुमान, 19 से 21 जनवरी तक दिल्ली एनसीआर में रहेगा कोहरे का कहर। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के लिए मौसम विभाग की चेतावनी, 19 जनवरी को भी रहेगी कड़ाके की सर्दी। उत्तर भारत के कुछ इलाकों में कोहरे का कहर, उत्तर रेलवे के मुताबिक 6 ट्रेनें चल रही हैं देरी से। मौसम विभाग का अनुमान, 19 से 21 जनवरी तक 2 पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय, इसलिए तापमान 4 से 6 डिग्री। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से पहाड़ों पर होगी बर्फबारी, 21 से 25 जनवरी तक के लिए अनुमान। मौसम विभाग के मुताबिक 22 से 25 जनवरी तक मैदानी इलाकों में हो सकती है बरसात। गुजरात में शीतलहर का कहर, कपकपाती ठंड के बीच कच्छ में सुनसान दिख रही हैं सड़कें। सुबह सुबह घने कोहरे से परेशानी, गाड़ी चलाने वालों के लिए मुश्किल। राजस्थान के चुरू में -2.7 डिग्री पर पहुंचा तापमान, कड़ाके की ठंड से लोगों का बुरा हाल। पंजाब के मानसा में कोहरे के चलते तापमान में गिरावट, सफेद चादर में लिपटी फसल। राजगढ़ में 3.5 डिग्री पर पहुंचा तापमान, कड़ाके की ठंड में फसलों पर जमी ओस की बूंदे। भीलवाड़ा में ठंड के चलते येलो अलर्ट जारी, पाला पड़ने से फसलें खराब। फतेहाबाद में जमा देने वाली सर्दी का कहर, पाला पड़ने से फसलों को हो रही है भारी नुकसान। नोएडा में भारी ठंड के बीच खुल चुके हैं स्कूल, छात्रों ने की ऑनलाइन क्लास की मांग। फतेहपुर सिकावटी में कश्मीर जैसा मंजर, -4.5 डिग्री पर पहुंचा तापमान। कड़ाके की सर्दी में बेघरों के लिए सीआरपीएफ का तोहफा, दिल्ली के एम्स में बनाया गया आश्रय घर, 200 लोगों के लिए रहने का इंतजाम। सीआरपीएफ के महानिदेशक डॉक्टर SL थाउसेन और एम्स के डायरेक्टर ने किया उद्घाटन। हिमाचल और उत्तराखंड के पहाड़ों पर हो रही है जबरदस्त बर्फबारी, तापमान में लगातार गिरावट। भागलपुर में सरकारी निर्देश की उड़ी धज्जियां, मनाही के बावजूद शिक्षक छात्रों से भरवा रहे जनगणना का फॉर्म। उधम सिंह नगर में टीचर पर रेप का आरोप, पुलिस ने किया गिरफ्तार।
टिहरी गढ़वाल में खाई में गिरी कार, तीनों कार सवारों की मौके पर मौत। करनाल में डंपर ने मारी बाइक को टक्कर, हादसे में तीन दोस्तों की मौत। एसटीएफ अंबाला को मिली बड़ी कामयाबी, गोरखा गैंग के सात गुर्गे गिरफ्तार। फतेहपुर में प्राइवेट अस्पताल में नवजात बच्चे की मौत, परिवारजनों द्वारा धरने पर बैठने के बाद दर्ज मुकदमा। महोबा में हिंदू संगठन के लोगों पर जानलेवा हमला, तीन लोगों पर मामला दर्ज। एमपी के सीहोर में कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के नाम पर धोखाधड़ी, दो आरोपी गिरफ्तार। गणतंत्र दिवस के मद्देनजर गुरदासपुर में हाई अलर्ट, पुलिस ने शहर को सील कर चलाया सर्च ऑपरेशन। राजस्थान की करौली में खुदाई के दौरान मंदिर से टकराई जेसीबी, पूजा कर रही महिलाएं मलबे में दबी, बचाव का काम जारी। में ई टेंडरिंग स्कीम का सरपंचों ने किया विरोध, व्यवस्था को वापस लेने की मांग। सहरसा में हथियार के साथ पुलिस ने तीन युवकों को किया गिरफ्तार, तीनों युवक ने राहगीर को मारी थी गोली। गिरिडीह में 15 लाख के इनामी नक्सली गिरफ्तार, 2 लाख रुपए नकदी समेत कई सामान जब्त। इंदौर में युवती को मिली 36 टुकड़े करने की धमकी, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के महासमुंद पुलिस जब्त की 10 लाख की शराब, 3 आरोपी गिरफ्तार। पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ से पर्दा उठाने के लिए दिल्ली के पुराने किले की खुदाई, संस्कृति मंत्रालय की पहल पर एएसआई ने शुरू की बड़ी खोज। कोलिजियम सिस्टम पर ममता बनर्जी का बड़ा बयान, बोली कैदियों का दखल राज्यों के लिए खतरा। गंजावला केस में आरोपियों पर चलेगा हत्या का मुकदमा, कार के नीचे घसीटने से हुई थी लड़की की मौत। जम्मू कश्मीर के बड़गांव में 2 दिन से सेना का ऑपरेशन, इलाके में छिपे 2 आतंकी मुठभेड़ में ढेर। एनएएसी द्वारा गोरखपुर विश्वविद्यालय को मिला A++ श्रेणी, पूरे पूर्वांचल के छात्रों के लिए एक बड़ी उपलब्धि। अनवर्ल्ड ऑन दाऊद इब्राहिम ने पाकिस्तान में की दूसरी शादी, शादी से उसके पाकिस्तान में ही होने का एक और पुख्ता सबूत मिला। दाऊद के भांजे से एनआईए की पूछताछ में हुआ खुलासा, सितंबर 2022 में एनआईए ने दाऊद के भांजे से की थी पूछताछ। असीना पार्कर के बेटे ने एनआईए की पूछताछ में बताया, दूसरी शादी के बाद कराची में डिफेंस एरिया के पास रहने लगा है दाऊद। उद्धम सिंह नगर में 2 बीजेपी नेता आमने सामने, एक विरोध में तो दूसरे ने किया समर्थन। बिहार के गोपालगंज में महादलित बस्ती पर आफत, जमीन खाली करने का मिला नोटिस। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में काम की तलाश में आई महिला के साथ दुष्कर्म, 2 आरोपी गिरफ्तार। उडागांव में बस के सामने कूदा युवक, अस्पताल में इलाज के दौरान मौत। मुजफ्फरपुर में अवैध शराब के ठिकानों पर छापेमारी के दौरान सिपाही की मौत, शराब तस्कर पर हत्या का आरोप। हरियाणा के सिरसा में 2 गैंग में झड़प, मारपीट के दौरान 2 की मौत, 2 घायल। हमीरपुर में हुए ट्रिपल हत्याकांड का खुलासा, सगे भाई नहीं शराब के लिए पैसे ना देने पर की थी हत्या। नासिक में पिता ने की बेटी की हत्या, बेटी के प्रेम संबंध से था नाराज। सवाई माधोपुर में लकड़ी काटते वक्त करंट में चपेट में आया युवक, मौके पर मौत। अंबाला में भीषण सड़क दुर्घटना में मां बेटे की मौत, 3 लोग घायल। बेगूसराय में व्यवसायी की हत्याकांड का हुआ खुलासा, पुलिस ने हत्या में शामिल एक आरोपी को किया गिरफ्तार। समस्तीपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, मोस्ट वांटेड 4 अपराधियों को हथियार के साथ किया गया गिरफ्तार। रोहतक में जाट कॉलेज के सामने युवकों की आपसी रंजिश के चलते मारपीट, चाकू लगने से युवक घायल। सहारनपुर में अवैध खनन पर एसडीएम की बड़ी कार्रवाई, अवैध खनन से भरी 12 ओवरलोडेड गाड़ियां पकड़ी। कानपुर में मैच खेलते वक्त युवा को आया हार्ट अटैक, मौके पर मौत। अलीगढ़ में चिकन शॉप पर कहा सुनी के बाद बड़ा विवाद, 2 पक्षों में जमकर झड़प, पथराव। रेवाड़ी में नाबालिग लुटेरे ने किया सिलेंडर, 4 पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात में था शामिल। कानपुर में वकीलों की हड़ताल, फर्जी वकीलों पर एक्शन न लेने पर पुलिस के खिलाफ नाराजगी। चेन्नई में बिजली की तार की चपेट में आने से झुलसी 3 महिलाएं, 1 की हालत नाजुक। अंबाला में 2 शोरूम्स में हुई लाखों की चोरी, सिक्योरिटी गार्ड होने के बाद भी चोरों ने दिया वारदात को अंजाम। दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में बेखौफ बदमाश ने दुकानदार को लूटा, वारदात सीसीटीवी में कैद। करनाल में बच्चे को पिटबुल कुत्ते ने काटा, 2 पक्षों के बीच है तनाव। गाजीपुर पुलिस ने 50 किलोग्राम अवैध गांजा किया बरामद, आरोपी तस्करों को भेजा जेल। फरीदकोट में धागे से लदे ट्रक में अचानक लगी आग, 300 बंडल धागों की हुई क्षति। प्रयागराज मार्ग मेला की तैयारी शुरू, इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर बनाया गया। पटना में पुलिस पर शराब माफिया ने किया हमला, छापेमारी के दौरान हमला, 4 पुलिसकर्मी घायल।
लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्र संगठन की आपस में झड़प, विश्वविद्यालय प्रशासन ने दोनों पक्षों का सुलझाया मामला। गाजियाबाद में चलती कार में लगी आग, कार सवार ने गाड़ी से कूदकर बचाई जान। गुरुग्राम में 60 लाख के मोबाइल और लैपटॉप चोरी में दो गिरफ्तार, शोरूम के सेल्स मैनेजर ने साथी के साथ मिलकर दिया था वारदात को अंजाम। राजस्थान के भरतपुर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों की जान से खिलवाड़, डॉक्टर की जगह कंपाउंडर कर रहे हैं इलाज। राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में परिवहन विभाग ने निकाली रैली, यातायात के नियमों की पालन करने की अपील। वाराणसी में 4 दिनों की नौका रेस, 12 टीमों ने लिया भाग।